हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। जिन चीज़ों को आप फेंक देते हैं उनसे आप अनजान होते हैं कि उसमें कितने ढेर सारे न्यूट्रिशन है। ये है गोभी के पत्ते, जो अक्सर हम गोभी यूज कर लेते हैं और इन्हें फेंक देते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं। इनमें हरी सब्जियों के सारे गुण पाए जाते हैं, तो आज हम इनका कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। तो इन्हें चलिए कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि हमें क्या करने वाली हूँ। पहले इन सारे पत्तों को हम इनके डंठल से अलग करते हैं। आप चाहे तो इनके डंठल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आज मैं सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारे पत्तों को हम कट कर लेते हैं। मेरी रेसिपी में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आए तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। इस तरह छोटा छोटा, जैसे हम भुजिया सब्जी काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, इन्हें हमें कट कर लेना है। सारे पत्तों को मैंने ऐसे कट कर लिया है। अब इन्हें हम पानी में डाल के बॉईल करेंगे और स्टीमर में ऊपर के सेफ में हम रख देंगे आलू दो तीन छोटे छोटे पीसेस में काट के। और ये 80% बॉईल हो चुके हैं, आलू भी लगभग 80% ही बॉईल है। अब इसको हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो मैंने लोहे की कढ़ाई ली है इस रेसिपी को बनाने के लिए, ताकि हरी सब्जी का जितना न्यूट्रिशन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो इसमें हमने ढेर सारे लहसुन और मिर्चे का तड़का दिया है, थोड़ी सी हींग भी मैंने इसमें डाली है। और जब ये पूरी तरह से बढ़िया से लाल हो जाएगा, पूरा मिर्चा और लहसुन हमारा तड़क जाएगा, उसके बाद इसमें हम अपने गोभी के पत्तों को, जिनको हमने 80% तक बॉईल कर लिया था, उनको डाल देंगे। और फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है। हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको पसंद हो। और बस इनको हम ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, और भूनते भूनते ही ये पक जाएंगे। जितने ये कच्चे बचे हैं थोड़े बहुत, वो भी अच्छे से पक जाएंगे। इसमें हम थोड़े मसाले मिला लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है और भुने हुए जीरे का पाउडर मैं डाल रही हूँ इसमें। इससे फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पाउडर। अगर आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसके तड़के में, पर मेरे पास ये ड्राई पाउडर था तो मैं वो डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें आलू डाल लेते हैं और इसके बाद इसको उलट पलट के अच्छे से हम भून लेंगे। सब्जियां हमारी पक ही चुकी हैं लगभग, बस इन्हें थोड़ा सा हमें भून लेना है, ताकि सोना टेस्ट आ जाए और खाने में इसका मजा दुगना हो जाए। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं हम। उसके बाद जब हम ओपन करेंगे तो देखिए ये कितने अच्छे से भून चुका है। आलू हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं, खाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। आप इनको दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी पराठों के साथ खा सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं इनको जैसे खाने वाली हूँ, देखिए मेरा तरीका। मैंने मोटी रोटी बनाई है, आंवले का अचार है, मूली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। बाय।